यह वीडियो केवल रेनबो टीम के सदस्यों के लिए है। मुख्य रेनबो टीम के सातों टीमों के कम से कम एक सदस्यों को नागरिक बनने एवं सभी प्राकृतिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के साथ रहने का और उनका प्रचार प्रसार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी प्रशिक्षण सामग्री रेनबो के सातों सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हर नए अशिक्षित जिनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है या प्रशिक्षित अपना प्रशिक्षण दोहराने की शुरुआत YouTube पर दिए 49 मिनट की वीडियो से करेंगे। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए रेनबो पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसे विद्यालय पाठ्यक्रम और UPSC पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन करना है। रेनबो पाठ्यक्रम की शुरुआत YouTube पर दिए 49 मिनट की वीडियो से होती है जिसे देखते ही पता चलता है कि रोजगार कैसे लेना है, बड़े से बड़े रोजगार या पद के लिए कैसे प्रयास करना है, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार के साथ कैसे जीना है। YouTube पर दिए 49 मिनट की वीडियो से रेनबो पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की शुरुआत होती है तथा पूरा भी हो जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन कितना बड़ा रोजगार या पद प्राप्त करना चाहता है। जिसे जितना बड़ा रोजगार या पद चाहिए उसे उतना ही ज़्यादा रेनबो पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण लेना होगा और सारे वीडियो देखना होगा तथा अपने काम से संबंधित शिक्षा और अनुभव प्राप्त करना होगा। रेनबो टीम के सभी सदस्यों को 49 मिनट की वीडियो का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। जब तक इस वीडियो का प्रशिक्षण पूरा नहीं होता तब तक यह वीडियो रोज देखना है। जिन रेनबो टीम के सदस्यों को इस वीडियो का प्रशिक्षण मिल गया है वह अपने प्रशिक्षण का प्रचार प्रसार करेंगे। यदि संभव हो तो रेनबो टीम के सातों सोशल मीडिया पर दिए गए प्रशिक्षण सामग्री का पूरा या जितना हो सके उतना अध्ययन करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। रेनबो टीम के सभी सदस्यों को मिलकर कम से कम एक वेबसाइट चालू करनी है। सभी सदस्य विश्व के 7 प्रमुख सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर निम्न 10 मुद्दों, संविधान, कानून और रेनबो पाठ्यक्रम का प्रचार प्रसार करेंगे तथा प्रचार प्रसार करने के लिए सभी चुनावों में सभी पदों पर अपना उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। पॉइंट्स फॉरवर्ड रिफॉर्म विश्व सुधार के लिए 10 सूत्र। 1. ऑल सिटीजन रिलेटेड डाटा विल बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट एंड ऑल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन टू ऑल सिटीजन्स इन देयर होम। 1. नागरिकों से संबंधित सभी डेटा राज्य द्वारा बनाए रखा जाएगा और सभी प्रकार के प्रमाण पत्र और दस्तावेज सभी नागरिकों को उनके घर पर दिए जाएंगे। 2. All facilities will be given to all citizens without any procedure. 2. सभी नागरिकों को बिना किसी प्रक्रिया के सभी सुविधाएं दी जाएंगी। 3. All types of education for all as per their choice. 3. सभी के लिए सभी प्रकार का शिक्षा उनकी पसंद के अनुसार। 4. All types of vocational training to all as per their choice. 4. सभी को उनकी पसंद के अनुसार सभी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण। 5. ऑल टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर ऑल एज पर देयर चॉइस। 5. सभी के लिए उनकी पसंद के अनुसार सभी प्रकार की मनोरंजन सुविधाएं। 6. एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल एज पर देयर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड चॉइस विद इक्वल रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस इज बीइंग गिवन। 6. सभी को उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पसंद के अनुसार रोजगार, उनके काम का समान मान्यता जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। 7. फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू ऑल एज पर देयर नीड्स। 7. सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय एवं अन्य सहायता। 8. द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ obedient will be appreciated and anti-law will be punished through the information and technology system. 8. कानून की सख्त शासन, कानून का पालन करने वालों
की सराहना की जाएगी और सूचना और प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से कानून विरोधियों को दंडित किया जाएगा। 9. कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन ऑन द लॉ, जीरो टॉलरेंस ऑन वायलेशंस ऑफ द लॉ। 9. कानून पर व्यापक जागरूकता अभियान, कानून के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस। 10. कंप्लीट एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स टू 10 लाख इनकम्स फॉर स्टार्टिंग और रनिंग एनी वर्क। All data will be maintained by the state and all required documents will be given without the procedure. 10. 10 लाख आय वालों को आयकर में पूरी छूट। किसी भी कार्य को शुरू करने या चलाने के लिए सभी डेटा राज्य द्वारा बनाए रखा जाएगा और सभी आवश्यक दस्तावेज बिना प्रक्रिया की दी जाएंगे के दिए जाएंगे। CCDP DRA ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 1. राष्ट्रीय नेशनल। 2. राज्य स्टेट। 3. केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। 4. प्रमंडल डिवीजन। 5. जिला डिस्ट्रिक्ट। 6. लोकसभा क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 7. अनुमंडल सब डिवीजन। 8. विधानसभा क्षेत्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। 9. प्रखंड ब्लॉक। 10. पंचायत। 11. मतदान केंद्र पुलिंग स्टेशंस। 12. गांव विलेज। 13. मतदान केंद्र पुलिंग बूथ। रेनबो टीम के सभी सदस्यों को अपने काम और रुचि के अनुसार टाइम टेबल का पालन करना तथा वीडियो एवं प्लेलिस्ट देखना आवश्यक है। सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए कम से कम एक काम में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। अपने काम में लगातार शिक्षा एवं अनुभव बढ़ाते हुए अपनी कार्य कुशलता बढ़ाना जीवन में सफल होने और सुखी रहने का रहस्य है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपर्ट हूँ। स्टॉक मार्केट मेरा फैमिली बिजनेस है। एक्सपायरी वाले दिन मैं ऑप्शन चेन का डाटा देखकर पता करती हूँ कि एक्सपायरी कहाँ होगी, फिर नो प्रीमियम कॉल एंड पुट बाय करके सभी नियमों का पालन करती हूँ, नियमों का पालन करते हुए ट्रेड करती हूँ। मेरा फैमिली बिजनेस स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसलिए मेरे लिए सबसे प्रमुख काम टाइम टेबल का पालन करते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। मैं 40 रुपये का पुट 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ तथा 60 रुपये का कॉल 40 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लेती हूँ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाय प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस में 10 रुपये बढ़ा देती हूँ। जैसे जैसे मेरी पूंजी बढ़ेगी वैसे वैसे मैं स्ट्राइक प्राइस को और क्वांटिटी बढ़ाती जाती हूँ। मैं नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करती हूँ। प्रायोरिटी ऑफ वर्क। इफ ऑल 70 मेंबर्स कैन नॉट सिट टू ट्रेड देन एटलीस्ट 1 टीम मेंबर मस्ट सिट एंड कीप आई ऑन ट्रेड ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। Work as seats become a tree equals to control Nifty put of above rupees 30 strike price by collecting information from nature, books, videos, then discussion to take decision of trade only when opportunity for profit is available. Knowing the strike price behavior from start of monthly and weekly expiry to till the end. Buy and keep put. Buy call on opportunity. Use of option chain data. Knowing and using the factors affects market. Follow our all plans. 2. Teach one strategy of the day daily as per trading environment. 3. Teach at least 2 topics daily. 4. Watch at least 7 videos on time from playlist or from our channel. 5. Follow timetable. आगे दिए गए YouTube चैनल वीडियो और प्लेलिस्ट कितने वीडियो है, वीडियो का टाइम, वीडियो बनने की तारीख, वीडियो का नाम को याद रखेंगे। जब जिस वीडियो या प्लेलिस्ट को देखने की जरूरत होगी उसे देखेंगे।
कुछ करोगे?
ऑरेंज टीवी। Thank you.
होइलेट।